सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आर कम्युनिकेशन के बारे में, रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसमें गाइस प्रॉपर ब्रेकआउट मिल गया है, और इसके वॉल्यूम्स के बारे में अगर देखेंगे तो काफ़ी इस वीडियो में आपको काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्टॉक को लेकर, और काफ़ी तगड़े रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और काफ़ी तगड़े स्टॉक रिटर्न देने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की। तो आप 2.95 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है, और काफ़ी बॉटम तक ये शेयर चले गया था, बट अभी 10 पैसे तक की इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, और काफ़ी तगड़े हाई राइज देने वाला है। अगर यही अगर इसका मार्केट कैप की बात कर ले गाइस, तो मार्केट कैप आप देख सकते हो 828.98 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही स्टॉक है गाइस। और वही अगर बात करें 52 वीक के हाई की, तो 5.05 रुपीज़ का हाई है, और वही लो की अगर बात करें तो 1.35 रुपीज़ का इसका लो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। और वही अगर बात करें गाइस इसके 5 दिन के टाइम फ्रेम की या पिछले कुछ समय की, तो स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था। पिछले टाइम की अगर बात करें तो 700 से 766 रुपये तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, बट कुछ इश्यूज़ के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को हमें मिली, और आप देख सकते हो इतना टॉप पे चलने वाला स्टॉक नीचे आ गया, 766 तक चलने वाला स्टॉक नीचे आ गया। तो गाइस, काफ़ी अमेजिंग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्टॉक में दम है। वही अगर इसके फाइनेंशियल्स रिपोर्ट की बात करें, तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट हम देख सकते हैं। हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट की, एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो कंपनी के पास पैसा कितना है, 7 बिलियन के आसपास का पैसा है गाइस, 7 बिलियन के आसपास का। वही 2020 की बात करें तो 4 बिलियन था, वही अगर 2019 की बात की जाए तो 8 बिलियन, 2018 की बात की जाए तो 6 बिलियन, वही अगर 10 बिलियन था 2017 में। तो रिलायंस की अगर वॉल्यूम की बात करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम 11 लाख के आसपास, 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, 1 करोड़ से 11 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम देख सकता है। वही अगर फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए, तो रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट आई है 2017 से लेकर 2021 तक, आप देख सकते हो एक ग्राफ बहुत गिरता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। वही अगर बात करें सेंटीमेंट्स, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना क्या बाइंग हुई है, लगभग 78% की स्टॉक में बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर, और हमें भी काफ़ी पॉजिटिव वेव बनाता है, क्योंकि 78% की बाइंग काफ़ी मायने रखती है किसी भी स्टॉक के लिए। वही अगर बात करें सेलिंग की, तो आप देख सकते हो 17% की सेलिंग हुई है स्टॉक में, 17% की सेलिंग हुई है गाइस। वही 5% तक होल्डिंग्स यहाँ पर रखी गई है, और यहाँ पर होल्डिंग भी 5% के आसपास की होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कुछ इस पर देखने को मिल सकती है, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए तो 89% के आसपास है, प्रमोटर्स की 5.8% के आसपास है। वही अगर बात करें ओदर्स की, देख सकते हो, वही अगर DII की बात की जाए तो यहाँ पर होल्डिंग आपको दिख जाएंगी। अगर टॉप होल्डिंग्स को अगर देखा जाए, तो रिलायंस ऑल्टस की यहाँ पर होल्डिंग दिख जाएगी, और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की यहाँ पर दिख जाएंगी, रिलायंस वाइट की दिख जाएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो रिलायंस कम्युनिकेशन, श्रीजी, श्री कृष्णा, यहाँ पर आप काफ़ी होल्डिंग्स में दमदारी है। ऊपर की ओर इनकी फैमिली की होल्डिंग आपको दिखेंगी, DII की होल्डिंग की अगर बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की यहाँ पर देखने को मिल सकती है इंस्टीट्यूशनल की। वही अगर बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग दिख जाए, तो वो भी काफ़ी दमदार इसमें देखने को हमें मिल सकती है। और यहाँ पर कितनी होल्डिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ, बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग आपको 4.21% के आसपास की यहाँ पर दिख जाएगी। वही अगर बात करें क्लियरिंग मेंबर्स की, तो 4.11% की यहाँ पर होल्डिंग है, और नॉन रेसिडेंस इंडिया की अगर बात करें NRI की, तो 1.98% की होल्डिंग है। वही अगर बात करें मिथिलेश सिंह की, तो यहाँ पर मिथिलेश सिंह ने भी काफ़ी तगड़ी इसमें होल्डिंग्स अपनी रखी है। तो रुद्र प्रताप नारायण सिंह की यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर होल्डिंग है। तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी यहाँ पर होल्डिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी तगड़ी होल्डिंग्स आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। और वही अगर चार्ट की बात करें, तो चार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो चार्ट की अगर बात करें इसके पिछले रिकॉर्ड्स की, इसके पिछले रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, तो हम पहले 1 वीक चार्ट फ्रेम पर इसमें एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में क्या कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं या नहीं। तो अगर बात करें स्टॉक हमें टूटना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो स्टॉक हमें यहाँ से टूटना स्टार्ट हो गया था, कौन से लेवल से गाइस, तो मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ, ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो इन लेवल से स्टॉक टूटना स्टार्ट हुआ था, ए लेवल इसका सपोर्ट लेवल था, क्योंकि यहाँ से स्टॉक आके सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेके हमें उम्मीद थी कि यहाँ से ऊपर की हो जाए, पर उस उम्मीद पे इसने पानी फेर दिया। यहाँ से स्टॉक आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया।
तो जो 10 रुपये के ऊपर जो इसने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट को हार्ड ब्रेकआउट था, क्योंकि इसने तब से लेके यहाँ पर स्टॉक आप देख सकते हो गाइस कहाँ तक चले गया था, 0.40 पैसे तक स्टॉक चले गया था, 0.40 पैसे तक गाइस। अगर 700 से 800 रुपये तक ट्रेड करने वाला कोई स्टॉक 0.40 पैसे तक आ जाए तो कितना बुरा लगता है। तो आप देख सकते हो आप कितने लोगों को स्टॉक ने बर्बाद कर दिया होगा, बड़े फिर से आबाद कर सकता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो हम जैसे इन्वेस्टर हैं जो बिगिनर्स हैं उनको ये आबाद कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर दिख सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से बॉटम डबल बॉटम बना और यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगा और सीधा ऊपर की ओर होम सीधा ऊपर की ओर जा सकता है। ये 1 वीक चार्ट फ्रेम पर कुछ क्या कुछ एनालिसिस हमें देखने को मिल रहा था, मैंने वैसा बता दिया। वही अगर बात करें हम वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करें तो क्या कुछ हमें बनते हुए दिख रहा है, तो डे वन के हिसाब से हम चार्ट यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस तो डे वन के हिसाब से मैंने चार्ट यहाँ पर सेटअप कर दिया, तो क्या कुछ इसमें हमें ट्रेड बनता हुआ दिखता है, क्या कुछ इसमें होता है, मैं आपको इसमें एनालिसिस करके बताता हूँ। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं गाइस, क्योंकि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है और किस टाइप का ब्रेकआउट मिल रहा है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से हम नीचे की ओर ट्रेड लाइन बनाते हैं इस टाइप के, तो यहाँ पर ट्रेड लाइन यहाँ पर ऐसा सेट हो जानी चाहिए। तो एक मैंने ट्रेड लाइन बना दी है और इस ट्रेड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो और एक ट्रेड लाइन हमें बनानी पड़ेगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पर और एक मैंने ट्रेड लाइन बना दी है, ओके। तो यहाँ पर सेट है, यहाँ पर सेटअप हमने जमा लिया वन डे टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट मिला ऊपर गया, यहाँ पर 5 रुपये के प्राइस पर से रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, रिजेक्शन सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर लगभग 2 रुपये तक का स्टॉक आ गया था, फिर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट मिला था नीचे की ओर जाने के लिए, पर इसमें बाइंग ही इतनी हो रही थी कि नीचे की ओर जा ही नहीं पाया, ऊपर की ओर ही इसमें ट्रेड बनते गए। तो उसके बाद क्या, उसके बाद अगर देखा जाए ऊपर गया था नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक माइल्स का ब्रेकआउट गाइस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक माइल्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी तगड़े रिटर्न स्टॉक देने वाला है, काफ़ी तगड़े रिटर्न स्टॉक देने वाला है और काफ़ी हद तक इसने यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये स्टॉक यहाँ से बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ऐसा बन रहा है, ट्रेड यहाँ पर बनेगा और सीधा ऊपर की ओर जाएगा गाइस। सो गाइस अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक काफी तगड़े रिटर्न्स देने वाला है आने वाले टाइम में। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।